नागपुर तहसील पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पेट्रोलिंग करते समय पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जबकि 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। ज्ञात हो कि इन दिनों शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते नागपुर शहर पुलिस ने कुछ संदिग्ध इलाकों में पेट्रोलिंग की गश्त बढ़ा दी है। इसी बात के मद्देनजर तहसील पुलिस ने गार्डलाइन परिसर में 3 आरोपियों को धर दबोचा है, जिसने पास से डकैती करने के औजार बरामद किए गए हैं, जबकि 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी होने की जानकारी तहसील पुलिस ने दी है। कल दिनांक 16/10/21 को माननीय पुलिस आयुक्त सर ने शहर के सभी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षकों को आदेश दिए कि बढ़ते गुनहगारी को रोकने के लिए क्रिमिनल लोगों को चेकिंग करो, क्रिमिनल एरिया में पेट्रोलिंग करो। माननीय पुलिस आयुक्त के आदेश के मुताबिक कल हम रात को 11-12 बजे के दरमियान पुलिस स्टेशन तहसील में अलग अलग पथक बना के पेट्रोलिंग कर रहे थे। तब API संदीप बागुल, PSI स्वप्निल वाघ और उनके स्टाफ गार्डलाइन की तरफ पेट्रोलिंग कर रहे थे। तब गार्डलाइन बोगदे के बाजू में, दरगे के बाजू में झाड़ी में अंधेरे में कुछ संशयास्पद हलचली हमारे पथक को दिखे। हमारे पथक ने व्हीकल्स वहीं रोक के उनको दबोच लिया। तब उनके पास उसमें आकाश मूलचंद अग्रवाल, उम्र 34 साल, टिमकी भानखेड़ा, शेख अशरफ वल्द शेख हनीफ, उम्र 30 साल, आदर्श नगर गणेशपेट, शेख अशरफ वल्द शेख जब्बार, उम्र 42 साल, मोमिनपुरा, और 2 लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो गए अंधेरे का फायदा लेते हुए। उसमें एक पुराना गुनहगार, रिकॉर्ड दर्ज गुनहगार फैजान उर्फ राज कालिया, गीतांजलि चौक, उम्र 20 साल, ये भी था और उसका दोस्त था। भगे हुए 2 लोगों का पुलिस सर्च कर रही है। 3 लोगों को पुलिस स्टेशन में लाके उनके पास दरोड़ा के साहित्य मिले, जिसमें नकाबपोश के सामान, रस्सी, चाकू, तलवार, गुप्ती और मिर्ची पैकेट मिले। वो सब जब्त करके API संदीप बागुल की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी आकाश मूलचंद अग्रवाल, शेख अशरफ शेख हनीफ और शेख अप्रोच वल्द शेख जब्बार, इनके ऊपर 399, 402, 34, 425 आर्म एक्ट और कलम 135 मुंबई महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के मुताबिक गुनाह दर्ज किए और उसमें फैजान उर्फ राज काले और उसके दोस्त को फरार घोषित किए हैं। पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है कि ये कहां दरोड़ा डालने वाले थे। इस बारे में उनको अभी विद्यमान कोर्ट से उनका PCR लेके जाएंगा। सभी आरोपी नामदर्ज क्रिमिनल है, रिकॉर्ड के गुनहगार है और इनके ऊपर दरोड़ा के पहले भी गुन्ने दाखिल है, दरोड़ा, चोरी और धोखापति के गुन्ने दाखिल है। इनका PCR प्राप्त करके ये कहाँ दरोड़ा डाल रही थी इसका तपास पुलिस करेगी।